तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल एचक्यू बॉलीवुड न्यूज में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। और बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला इंसिडेंट सामने आया है, और इस इंसिडेंट में शाहरुख खान सर की दरिया दिली भी और कितने हिम्मत और कितना साहस वो रखते हैं अपने अंदर, ये भी देखने को मिली। इस इंसिडेंट से ये भी साबित हो गया है सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में शाहरुख खान सर हीरो हैं। वैसे तो मैं कितनी वीडियो बता चुका हूं ऐसे जिनसे पता नहीं है, तो बहुत बार साबित हो चुका है कि शाहरुख खान सर रियल लाइफ में ही हीरो हैं। लेकिन एक और वारदात ऐसी हुई जिससे एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, फिर सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, असल जिंदगी में भी शाहरुख खान सर हमारे हीरो हैं, और असल जिंदगी में भी उन जैसा कोई नहीं। चाहे वो बड़े दिल की बात हो, चाहे अंदर से साहस की बात हो, चाहे हिम्मत की बात हो, और इस चीज में हम कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इंसिडेंट हुआ ये कि अमिताभ बच्चन सर के यहाँ पर पार्टी थी, दिवाली की पार्टी थी, हर साल होती है, तो जाहिर सी बात है इस साल भी होगी। और सारे, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, सेलिब्रिटीज आते हैं वहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, ऐश्वर्या राय बच्चन की जो मैनेजर हैं, जिनका नाम अर्चना सदानंद है, उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ। बहुत एक चौंका देने वाला इंसिडेंट हुआ कि दिए से उनकी कपड़ों में आग लग गई, और इतने में ही बिना कुछ सोचे समझे वो 15% बर्न हो चुकी थी। इतने में ही बिना कुछ सोचे समझे शाहरुख खान सर ने अपनी जैकेट निकाली और उस जैकेट से उस आग को बुझा दिया, पूरा बुझा दिया। और इसमें शाहरुख खान सर को माइनर इंजरीज भी आई हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत, हल्के बहुत, थोड़े बहुत चोटिल शाहरुख खान सर भी हुए हैं। लेकिन जो अर्चना सदानंद हैं वो 15% बताया जा रहा है ऐसा है कि वो बर्न हो चुके हैं, और वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में। तो जल्दी हम यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर करें और पहले जैसी वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और यहाँ पर बहुत ही साहस, बहुत ही हिम्मत दिखाई है शाहरुख खान सर ने, जिसे लेकर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग खुश हैं। चाहे इसमें फराह खान हो, जिन्होंने हैप्पी न्यू ईयर डायरेक्ट करी थी, उन्होंने ट्वीट करके ये भी लिख दिया है कि मोहब्बत मैन, जो ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने मोहब्बत मैन का एक थोड़ा सा रोल प्ले करा था, कि वाकई में ही एक मोहब्बत मैन की तरह ही है शाहरुख खान सर। और जिस तरीके से ओम शांति ओम में बिना आग के डर से उन्होंने शांति को बचाया था, वो सीन था, वही दोबारा वही सीन एक तरीके से कह सकते हैं हम कि वही चीज रियल लाइफ में हुई है किसी दूसरे अंदाज में। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, और आपको ये खबर कितनी अच्छी लगी, कितना प्राउड फील कराया आप सबको, जितने भी फैंस हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी जरूर राय दें, और मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट सेक्शन। और मुंबई में भी जाने वाला हूं मैं शाहरुख खान सर का बर्थडे मनाने, तो कोशिश करूंगा कि एक बहुत अच्छी वीडियो वहां का कवरेज मैं बना सकूं, कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, सारी अपडेट मिलेंगी इसी चैनल पे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, शाहरुख खान के फैंस हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।